बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे कि सर अगर हमने फर्स्ट काउंसलिंग में ओनली गवर्नमेंट डाइट फिल किए थे एंड सेकंड काउंसलिंग में जो है हमें गवर्नमेंट डाइट नहीं मिला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया गया था अगर उसमें आपको गवर्नमेंट डाइट अलॉट नहीं हुआ है तो आज जो 28 सितंबर को शाम तक जो है सेकंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट रिजल्ट जो जारी की जाएगी तो उसको फ्रेंड्स आपको जो है ना चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, कई अदर स्टेट के डीएलएड में भी यही प्रोसेस है कि अगर जिन बच्चों का फर्स्ट जो मेरिट की जो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाता है तो उनमें अगर नाम नहीं आता है बच्चों का तो सेकंड में भी आने के काफ़ी चांस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि वे स्टूडेंट जिनका जो है सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट रिजल्ट में भी अगर गवर्नमेंट डाइट नहीं आता है एंड वे स्टूडेंट ओनली जो गवर्नमेंट से ही अपना मतलब डीएलएड करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को नहीं कर सकते, तो उन्हें अब क्या करना है। उनके पास फ्रेंड्स दो ऑप्शन है। फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जो फ्रेंड्स ओनली गवर्नमेंट डाइट से ही कोर्स को करना चाहते हैं, अगर फ्रेंड्स आपको जो है थर्ड राउंड में गवर्नमेंट डाइट फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है तो यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, अगर आप ओनली गवर्नमेंट डाइट से ही इस कोर्स को करना चाहते हैं तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है तो ये तो आपके लिए वेस्ट रहेगा। अगर फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट से भी करना चाहते हैं एंड वे चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट में नाम ना आए तो प्राइवेट में आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में जो है आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नाम फ्रेंड्स आपको कॉलेज जो अलॉट किया जाता है वो मेरिट बेस पे किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपकी अच्छी मेरिट बनती है तो आपको जो है गवर्नमेंट डाइट दिया जाएगा, अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं बनती है तो आपको जो है नीचे वाला कॉलेज प्राइवेट वाला दिया जाएगा। फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जो इस कोर्स को ओनली गवर्नमेंट डाइट से ही करना चाहते हैं एंड अगर उन्हें फ्रेंड्स थर्ड राउंड में फ्रेंड्स यहां पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जो ओनली जो है ना थर्ड राउंड में अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है एंड उन्हें गवर्नमेंट से ही एडमिशन करना है, मतलब कि उन्हें गवर्नमेंट से ही इस कोर्स को करना है, वे प्राइवेट की कॉलेज की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है लास्ट ऑप्शन ये बचता है फ्रेंड्स, थर्ड राउंड की काउंसलिंग जब समाप्त हो जाएगी तो अगर फ्रेंड्स किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट बचती है तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बचती है फ्रेंड्स तो फिर उसका क्या किया जाएगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स हो सकता है कि यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, ये 4 अक्टूबर 5 मतलब कि 5 बजे से पहले तक जो है प्रवेश मतलब कि एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है 4 अक्टूबर जो है यहाँ लास्ट डेट बताया गया है, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके जो क्लास स्टार्ट हुए 11 अक्टूबर से, तो यहाँ पर जो 5 से 6 दिन का जो टाइम दिया गया है आपको, इस डेट में फ्रेंड्स आपका जो है ना फिर से एक और काउंसलिंग ऑर्गेनाइज हो सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स जो सीटें खाली रहेगी तो उनके लिए जो है ना नोटिफिकेशन यूपी डीएलएड के ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा एंड वहां पर जो है नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा, तो काफ़ी चांस है कि यहां पर जो है सेकेंड राउंड की मतलब कि फिर से एक काउंसलिंग हो सकती है अगर किसी गवर्नमेंट डाइट में सीट खाली रहती है तो यहां पर काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनके एडमिशन जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके गवर्नमेंट डाइट में नाम आ जाता है बट फ्रेंड्स उसी दौरान जो है ना उनके किसी अदर कोर्सेस में नाम आ जाता है, इस वजह से फ्रेंड्स वो जो है डाइट में एडमिशन ना लेकर किसी और कोर्स में अपना एडमिशन ले लेते हैं, जिस वजह से जो सीटें खाली हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी चांस है कि सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग आयोजित किया जाए 5 से 6 अक्टूबर के बीच में, तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आपको गवर्नमेंट डाइट से ही इस कोर्स को करना है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है, ये नहीं है कि 100% किया जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अब आप सेकेंड थिंग समझिए, वे स्टूडेंट फ्रेंड्स जो मतलब कि चाहते हैं कि अगर हमारा गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन नहीं होता है तो हम इस कोर्स को प्राइवेट से भी कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो है किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है, आपको जो है थर्ड राउंड में अगर प्राइवेट कॉलेज फिल करने का ऑप्शन दे दिया जाता है तो आपको प्राइवेट भी फिल कर देनी है एंड अगर गवर्नमेंट कॉलेज का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा तो ये आपके लिए वेस्ट होगा, गवर्नमेंट भी आपको फिल कर देनी है, क्योंकि इसकी जो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट में भी नाम आ जाए या गवर्नमेंट में नहीं आता है तो प्राइवेट में आएगा, ये सभी आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है ये सभी मेरिट बेस पे अलॉट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के अच्छे रैंक हैं अच्छे मार्क्स हैं तो उनको जो है डाइट नहीं मिलेगी,
उनको डाइट मिलेगी, बिकॉज जिनके अच्छे रैंक है, अच्छा मेरिट बना है, उनको जो है पहले अलॉट किया जाएगा। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे उनको जो है प्राइवेट वाला डॉट जो डाइट है वो अलॉट किया जाएगा। तो ये बात को आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।